रूस में आज दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच अहम मुलाकात होगी। पूरी दुनिया की नजरें इस बेहद अहम मुलाकात पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर रवाना हो गए तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये चौथा रूस दौरा है। हालांकि इस बार का प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा अनस्ट्रक्चर्ड है, यानी अनौपचारिक। सोची एयरपोर्ट पर रूस के बड़े अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के रिजॉर्ट पर जाएंगे। सोची रूस के लिए काफी अहम शहर माना जाता है। दोनों नेता एक साथ लंच करेंगे और दोनों के बीच कुल मिलाकर 6 घंटे की मुलाकात होगी। 360 मिनट की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 27 और 28 अप्रैल को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वुहान शहर में मिले थे और वो भी अनौपचारिक मुलाकात थी, यानी अनस्ट्रक्चर्ड मीटिंग थी वो भी। और इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम और खास मानी जा रही है। आज रूस में मिलेंगी दो महाशक्तियां। आज रूस में मोदी रचेंगे नया इतिहास। आज रूस में दोस्ती की नई मिसाल। मोदी पुतिन की दोस्ती पर दुनिया की नजर। पीएम मोदी चौथी बार रूस के दौरे पर हैं। चौथी बार का यह दौरा कई मायनों में अहम है। वैसे भारत और रशिया की दोस्ती सारी दुनिया जानती है, लेकिन इस बार पीएम मोदी और पुतिन के दरमियान होने वाली अनौपचारिक मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। दुनिया की दो महाशक्तियों के मिलन पर पूरी दुनिया की आंखें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अनौपचारिक मुलाकात के लिए रूस के शहर सोची पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का यह चौथा रूस दौरा है। सोची एयरपोर्ट पर रूस के बड़े अधिकारी पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी पुतिन के रिजॉर्ट पर जाएंगे। सोची रूस के लिए काफी अहम शहर माना जाता है। दोनों नेता एक साथ लंच करेंगे और दोनों के बीच कुल मिलाकर करीब 6 घंटे की मुलाकात होगी। 360 मिनट की मुलाकात बेहद अहम होने जा रही है। हमारे लिए अफगानिस्तान बहुत ज़रूरी एक मुद्दा है, और भी हैं जैसे ईरान आपने जिक्र किया, सीरिया है, और भी हैं इस तरह के, कोरिया में जो हो रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं इस पे डिस्कशन होगा। जहाँ तक टेररिज्म की बात है और ISIS की बात है, वो तो लाजमी तौर से इसमें आएगी बात और डिस्कशन होगा। दोनों देशों के बीच सालाना शिखर बैठकों का सिलसिला 2000 से चल रहा है और ये बैठकें बारी बारी से मॉस्को और नई दिल्ली में आयोजित होती रही हैं। भारत और रूस की दोस्ती पुरानी और मजबूत है और मोदी इस दौरे पर इसका सबूत भी दुनिया को दे सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के एक नए कानून CAATSA के तहत रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को लेकर भारत अमेरिका को ये बता सकता है कि रूस के साथ रक्षा संबंधों को लेकर भारत किसी को भी दखल की इजाजत नहीं देगा। एक बहुत जरूरी चीज जो हमें चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए वो है एयर डिफेंस सिस्टम्स। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है रशिया में, रशिया के साथ बड़ी देर से बातचीत चल रही है एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, और अगर मोदी जी सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारे को बहुत बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-100 सीरीज का वो मिल जाएगा। दोनों देशों का मकसद है, एक तो जो अपने दोनों देश के जो संबंध हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितता आ रही है, अनसर्टिनटी आ रही है, क्योंकि जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं तो वो क्या करने वाले हैं इसका कुछ नहीं मालूम है। भारत और रूस हमेशा से ही दोस्त रहे हैं। इनफैक्ट अगर किसी ऑल वेदर फ्रेंड की बात की जाए तो आज़ादी से लेकर अब तक रूस एकमात्र ऐसा देश है जो परमानेंटली हमारा दोस्त रहा है। देखिए, कोई भी डिप्लोमेटिक विजिट किसी भी हेड ऑफ स्टेट के द्वारा अचानक नहीं होती। ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका के हटने के बाद ये मसला अब काफी अहम हो गया है। इस घटना के बाद भारत और रूस के कई प्रोजेक्ट ईरान में दांव पर हैं। दोनों नेता इस पर बात कर सकते हैं।
अफगानिस्तान और सीरिया बातचीत के केंद्र में रहेंगे। दोनों देश एटमी क्षेत्र में कैसे सहयोग कर सकते हैं, इस पर भी बातचीत होगी। बांग्लादेश के रूपपुर में परमाणु संयंत्र में दोनों देश सहयोग कर सकते हैं, जैसे पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के साथ अनौपचारिक बातचीत की थी, वैसे ही पुतिन के साथ भी ये अनौपचारिक बातचीत होगी, जिसमें दोनों नेता किसी भी मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं और एजेंडे की कोई बंदिश नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।